है आज का है, हम लास्ट लेग में चल रहे हैं इसकी। दिस इज योर ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रेड का मतलब क्या होता है बता सकते हो मुझे? विशेषता, किस चीज में आप किसकी विशेषता, कैसी बात कर रहे हो, कौन सी विशेषता? व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, जन्म से जो गुण होते हैं या कुछ गुण लोग सीखते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ विशेषता। उनको ट्रेड भी कहते हैं ये, ठीक है, डिस्पोजिशंस भी कहते हैं ये। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें, क्योंकि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले टॉपिक के अंदर जो शब्द दिए गए होते हैं उनका अर्थ अगर आपको समझ में आता है तो लगभग 50% काम हो जाता है। तो यहाँ आप देखोगे नेतृत्व, आपको पता ही, लीडरशिप सिद्धांत का मतलब तो पता ही है, थ्योरी, और विशेषता का मतलब है ट्रेड। तो ये एक सिद्धांत है, ट्रेड थ्योरी या विशेषता सिद्धांत, ये लीडरशिप को एक्सप्लेन करता है कि व्यक्ति नेता क्यों होते हैं। प्रश्न तो यही होता है ना, साइंस जो है, कोई भी साइंस क्यों का जवाब ढूंढती है कि कुछ व्यक्ति नेता होते हैं और कुछ नहीं होते। जो नेता होते हैं वो ऐसा क्यों होते हैं, उसका एक सिद्धांत में ये ट्रेड थ्योरी बताती है कि लोग नेता क्यों होते हैं, यानी उनके अंदर नेतृत्व का गुण क्यों होता है, ऐसी क्या खास बात उनके अंदर होती है कि व्यक्ति नेता का रोल निभाते हैं, नेता की भूमिका निभाते हैं। कुछ बच्चे जो है बाहर चले गए हैं, अंदर आ जाए, आए आगे आए थे आप भी आ जाओ। तो सबसे पहले ये होता क्या है, विशेषता दृष्टिकोण, विशेषता सिद्धांत या विशेषता उपागम, ये तीनों चीजें अगर आपके पेपर में आ जाए तो एक चीज नहीं। ये जैसे ना दृष्टिकोण लिखा, व्यू पॉइंट, ट्रेड व्यू पॉइंट कह लो आप, ट्रेड अप्रोच कह लो और ट्रेड थियरी कह लो, समझा विशेष को, ये तीनों चीजें सिमिलर है। अभी होता क्या है विशेषता, मैं अभी आपको विशेषता उपागम का अर्थ बता रहा हूं। I have explained the meaning of trait approach, यानी trait theory का meaning क्या है? विशेषता दृष्टिकोण मनोज्ञान में स्वभाव या मनोवृत्ति दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। स्वभाव आप समझते हो ना, आम भाषा में भी स्वभाव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मनोवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपकी वृत्ति, आज मन कैसा है, आप अपने दोस्त को, अपने छोटे भाई बहन को या कई बार टीचर को भी कह देते हो सर आज ठीक नहीं लग रहे आप, ऐसा बोलते ना, वो किस हिसाब से, किस हिसाब से बोलते हो आप, देखिए उसको, उसका फेस, यानी हाव भाव, हालांकि वो सामान्य है लेकिन आप उसके फेस से देखकर आप अंदाजा लगा लेते हो कि आज जो है व्यक्ति का व्यवहार या स्वभाव सही नहीं लग रहा। तो वो बात वही उसी के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर, यानी इसी को विशेषता उपागम, जो विशेषता दृष्टिकोण है, स्वभाव या मनोवृत्ति दृष्टिकोण के नाम से इसको जाना जाता है। विशिष्ट व्यवहार प्रतिरूप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्यवहार का प्रतिरूप, बिहेवियर पैटर्न, ये क्या चीज होती है, व्यवहार प्रतिरूप बताओ आपको, यही बात है आपको मैं पूछूं कि भाई लड्डू कैसा होता है, मैंने आज तक देखा ही नहीं, इफ आई आस्क यू कि लड्डू कैसा होता है तो आप मुझे समझाओगे सर ऐसे से गोल तो कुछ गांठें सी बड़ी होती है, खाने में स्वादिष्ट होता है, हलवाई की दुकान पर रखा हुआ ट्रे में ऐसे ऐसे मिल जाएगा, आप देखना पीले रंग का गोल गोल ऐसे हो, आप मुझे उसका प्रतिरूप बता रहे हो, एक पैटर्न आप मुझे बता रहे हो, आप समझे। तो इसी प्रकार से किसी व्यवहार का भी प्रतिरूप होता है, आप देखेंगे कि जब आप एक कोई काम करते हैं स्थिति वही स्थिति दोबारा आ जाए तो आप वैसे व्यवहार दोबारा करो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपने बाइक स्टार्ट करते हो रोज एक ही तरीके से, ये करते होगे या बटन दबा के, कभी ऐसा करते हो कि इस हाथ में बटन लगा के इस हाथ से स्टार्ट करते हो, नहीं करते कभी ना, या कभी पड़ोसियों का टारा यार स्टार्ट करा देना इसको, वी नेवर सेव दैट, हमारा व्यवहार प्रति रूप एक जैसा ही, हम जाएंगे चाबी लगाए किया किसी ईसा मुद्दे से किया और चल दिए, आप इससे भी कर सकते, टांग से भी ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन नहीं करते, हम नहीं करते, आया कोई करता है जाए बहुत ही कोई गिरला ही होगा गिरला ही मिलेगा ऐसा तो करता होगा, वी नेवर डू दैट। तो हमारा एक व्यवहार प्रतिरूप है, कैसे वो प्रतिरूप है आप तुरंत समझ जाओगे, जैसे कोई साइड पे जिसने
वाई को सीधा किया, साइड से डायजेस्ट ऐसे बैठा, आपको तुरंत अंदाजा है कि अगला काम वो क्या करेगा। अगला काम उसे हाथ इसे हाथ का उठे से कुछ ना कुछ दबाएगा। ठीक, ये है व्यवहार प्रतिरोध, एक धीरे पैटर्न, एक प्रकार का व्यवहार। और आप देखो ये व्यवहार प्रतिरोध कॉलेज में नहीं करते, आप इस बाइक को ले जाके आप कहीं ले जाओ, चांद को ले जाओ, तब भी स्टार्ट करोगे। हार्ड वाले टाइम में आप शायद देख लो, हम अपने जीवन में ना देख पाए, आने वाले 50 साल में देर में भी कॉलोनी मार्स, लोग मार्स मंगल ग्रह पर रहना शुरू कर देंगे। चांद तो छोड़ो, दूसरी बात चांद तो नजदीक है, चांद तो ऐसे ही आते ही साथ। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, साइंटिस्ट के लिए चांद पे आना देना वाला है, यानी आते ही साथ मंगल की बात करो। जैसे यहाँ से हम चेन्नई जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहा हूँ साइकिल पे, वैसे मंगल की बात है, आप समझ सकते हो। पीपल विल बी कॉलोनाइजिंग मार्स इन नेक्स्ट 50 ईयर्स, आने वाले 50 साल हो सकता है, तब तक मैं 95 की एज में रहूं और ना भी रहूं, 95 मुश्किल है जी ना, लेकिन आप लोग जरूर देख लोगे। आप सब 60-70 की एज में होंगे ना, यू कंफर्म, ये 100% है कि साइंस वहां तक पहुंच जाएगा, मार्स पर लोग जाने शुरू हो जाएंगे, टिकट मिला के नहीं मार्स पर जाने, मंगल ग्रह पर जाने। ठीक है, आप अपने बच्चों को कहोगे मंगल पर जाना क्या, दिस इज अ ट्रू फैक्ट। तो साइंस इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, तो समझे आप ना। तो देयर आल्सो व्हेन यू गो टू मार्स, द मार्स पे आप जाओगे, यू विल गेट अ बाइक्स, वहां पर अलग-अलग स्कूटर्स अलग टाइप के होंगे, समथिंग विल बी डिफरेंट डिफरेंट, वहां भी स्टार्टिंग का सिस्टम होगा, बट योर बिहेवियर पैटर्न विल बी सिमिलर, व्यवहार आपका प्रतिरूप। आप मुझे बताओ व्यवहार प्रतिरूप को समझेंगे क्या? यहां पर केवल यहां पर व्यवहार प्रतिरूप हम नेतृत्व के संबंध में बात करेंगे, नेता के संबंध, यानी कोई भी नेता होगा। अब कोई व्यक्ति जिसमें नेता के गुण होते हैं, मैंने आपको सीधा सा एग्जाम्पल दिया है, निकासी के टाइम में होता है ना, एक लीटर बन जाता है, सबको साइड में बैठाता चलेगा और एक कार की दीवार शुरू कर देगा। उसी व्यक्ति को देखना जब कॉलेज में होगा, किसी क्लास में बोल रहा होगा, तो वो जो है सबसे पहले बोल पड़ेगा। ठीक, कहीं झगड़ा बड़ा करना होगा, सबसे आगे आंकड़ा जाएगा। क्यों ऐसा क्यों करता बार बार व्यवहार प्रतिरूप? क्योंकि उसके अंदर नेतृत्व के गुण है। यानी आप देखो, आपने मान लिया आजकल वो कपास का सीजन चल रहा है, वहां पर लीडरशिप में क्या करेगा वो, ऐसा करो तुम यहाँ चले जाओ, इस पटे में इसमें तुम चले जाओ, इसमें तुम चले जाओ, और खुद खड़ा रहे। हमें कॉलेज चला जाता हूँ, तुम सिस्टर को लगा दिया, भाई को लगा दिया, मम्मी पापा को दिया, मम्मी पापा आप देख लो, माँ ये देख लो, ये बहने देख लेगी, ये सब देख लेगी, मैं कॉलेज जाता हूँ, फिर बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट गेम, उसमें देखो आप क्या होगा, उस व्यक्ति का ये तो जस्ट लाइट अमाउंट के लिए था, वो क्या करेगा, सबकी मदद भी करेगा, सबकी गठरी गठरी में द्वारा सब उठाएगा, हेल्प करवाएगा। वो नेतृत्व का उसके अंदर उसका व्यवहार प्रतिरूप है, उसका गुण है उसके। ठीक, अब देखो व्यक्ति की विशेषताओं के संदर्भ में पाया जाता है, विशेषताएं व्यवहार प्रतिरूप या आदतों का एक सेट होते हैं। विशेषताएं क्या होती, आप जो व्यवहार बार बार करते हो वो, या जो एक कोई व्यवहार बार बार आप करते हो वो, उसको हम क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, कह सकते हो ना, बहुत से बच्चों में होती है जो समय के साथ समान रहते हैं। रामदेव की एक विशेषता है, पता सबको ना, तो वो समय के साथ क्या है, वो समय के साथ क्या है, समान रहती है, नहीं बदलती है वो। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या विशेषता है, नहीं नहीं बताओ बता दे, हमें इतनी देर एक बता दिया होता। तो चलो आगे चलते हैं, यही था, ये जो सिद्धांत है ये इतना ही है, ज्यादा नहीं है, इसको थोड़ा सा और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप लोगों को लिखने में परेशानी ना हो। आप देखो इसका ट्रेट अप्रोच मैंने आपको बता दिया, चला एक्सप्लेन इंग्लिश की जरूरत है, हाँ सिस्टर इंग्लिश, लेट मी एक्सप्लेन इंग्लिश ऑल्सो। ट्रेट अप्रोच, ट्रेट अप्रोच आल्सो नोन एज डिस्पोजिशनल अप्रोच, एज आई टोल्ड यू दैट डिस्पोजिशनल्स एंड ट्रेट बोथ आर कैरी सिमिलर मीनिंग इन साइकोलॉजी, वेयर स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न, अर्ली मोस्ट व्हेन आई स्पोक इन हिंदी कि व्यवहार प्रतिरूप, सिमिलरली इट इज अ बिहेवियर पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न मींस द बिहेवियर यू मैनिफेस्ट इन वन सिचुएशन आल्सो मैनिफेस्ट इन सिमिलर सिचुएशन एट डिफरेंट लोकेशन, दैट इज योर बिहेवियर पैटर्न। And here we will be talking about behavior pattern is only in the context of leadership. Everywhere you find behavior pattern is similar of similar people. Take the example of your feeding, food
when you take food, you only use your right hand. When you take food with right hand, your behavior pattern will remain same. Whether you go to some marriage party, or you are sitting alone at home, or you are sitting with friends at cafe. So your behavior pattern will always be similar. In this way, this is measured against the traits of individual. What individual have, what are the traits? What are the characteristics? That behavior pattern is always measured against that trait, and traits are set of behavior patterns or habits. Similar behavior pattern, if you behave similarly at maximum times, that behavior is also known as habits. Okay? And which remain constant over time. The behavior pattern which you practice similarly at similar pace at various locations, that remains constant over time, and that behavior pattern can also be known as habits. Clear? Okay. Next. ये था आपका विशेषता का जो दृष्टिकोण है उसका अर्थ. अब आता है नेतृत्व का विशेषता दृष्टिकोण यानी ट्रेट थ्योरी क्या है. अब ये पहले क्या था, जो विशेषता दृष्टिकोण था, विशेषता उपागम था, उसका मीनिंग था, क्या विशेषता क्या चीज है. अब ये हमारा मेन आता है लीडरशिप, ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप. इसमें देखेंगे थॉमस कार्ले ने 1840 में, जो एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, इस नेतृत्व या इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया. उन्होंने देखा था कि जो लीडर्स होते हैं, जो दुनिया में अभी तक जो उस समय में 1840 में टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो हाई, कि उसने देखा था कि जो लीडर्स हैं वो उनमें एक तरह के गुण पाए जाते हैं. तो उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, थॉमस कार्ले ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट फ्रांसिस गैल्टन 1869. ये फ्रांसिस गैल्टन जो है एक मल्टीपल बहुमुखी प्रतिभा थी इनके अंदर. क्या था, ही वाज फ्रांसिस गैल्टन वाज स्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिक्स की पढ़ते थे वो, पढ़ाते थे, मैथमेटिशियन भी होते, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एक्सप्लोरर, इन्वेंटर, बहुत सारे गुण के अंदर थे, बहुत वर्ष प्रतिभा के ये धनी थे. और उन्होंने फ्रांसिस गैल्टन ने इस दृष्टिकोण को, कौन से दृष्टिकोण को बताओ, विशेषता दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया. और कुछ चीजें उन्होंने बताई, उन्होंने बताया कि इतिहास को उन ऐसा धरने का द्वारा आकार दिया जाता रहा है जो विशिष्ट विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं. आप अपने यहां में देखोगे केवल उन्हीं लोगों को इतिहास में लिखा जाता है जिनके अंदर कुछ विशेषता रही है, जिनके अंदर कुछ नेतृत्व के गुण रहे. ये बात फ्रांसिस गैल्टन कहते हैं, और वही लोग इतिहास को आकार देते हैं. अब ऐसा नहीं है कि महाभारत के युद्ध में केवल पांडव और कौरव लड़े थे, बहुत सारे लाखों सैनिक भी लड़े थे. 1857 की आजादी की लड़ाई में, 1947 की आजादी की लड़ाई में केवल कुछ ही नेता नहीं थे जिन्होंने आजादी दिलाई, उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका आज नाम नहीं है. आपको एक नाम बता देता हूँ जिसको असम की झांसी की रानी कहा जाता है, किसी को नहीं सुना होगा, कनकलता बरुआ. कनकलता बरुआ सुना नाम, जो 18 साल की लड़की जिसने पुलिस ऑफिसर को भी चैलेंज कर दिया था कि भाई पूरे ग्रुप को, लगभग 200 से 250 लोग थे जिसमें लड़के लड़कियां सारे थे, उनका वो नेतृत्व कर रही थी कनकलता बरुआ अपना भारत का झंडा लेके, और उन्होंने पुलिस चौकी पर झंडा फहराना था कि हम आजाद हैं, लेकिन पुलिस वाले थे वो नहीं माने, उन्होंने गोली मारी. उन्होंने कहा कि सबसे पहले गोली मुझे लगेगी, उस लड़की को सबसे पहले गोली लगी. उसके बाद जब उन्होंने देखा कि यार ये कितनी 18 साल की लड़की जब इतनी हिम्मत कर सकती है, तो हजारों का हुजूम जुड़ गया उनके साथ. पुलिस वाले गोली चलाते रहे, लोग गिरते रहे, लेकिन आखिर में उन्होंने झंडा फहराया. कनकलता बरुआ को झांसी की रानी बोला जाता है असम का. कितने लोगों को पता था इस चीज का और आपको नहीं पता, इतिहास में नहीं लिखा गया, क्योंकि इतिहास में इसलिए नहीं लिखा गया कि जो इतिहास लिखने वाले थे वो लोग नहीं चाहते वो इसको लिखने. बट शी वाज सो डेयरिंग लेडी, सो डेयरिंग गर्ल, 18 साल की, 7 साल की लड़की तो थी वो, उसके माता पिता एक्सपायर हो गए, लेकिन वो फिर भी उनके अंदर था जुनून था देश को आजाद कराने. तो ये आपको बता दूं कि ऐसे जैसे लोग थे जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन लोगों की वजह से आज हम इतना शांतिपूर्वक देश के अंदर जी रहे और सांस ले रहे, ताकि उन लोगों ने अपना खून बहाया है, धरती को खून दिया है. तो ये बात है इस दृष्टिकोण का तर्क है. अब ये बात आती है मुख्य रूप से कि नेताओं के पास दूसरों से अलग दिखने वाली विशेषताएं जन्म से ही होती. ये आप कह लो कि 5 किलो मौसमी का जूस है,
पूरी विशेषता का जो मैंने जो बात की है उसका ये दूस है, ये थ्योरी केवल ये मानती है कि व्यक्ति जो है नेता पैदा होते बनाए नहीं जाते, यानी जन्म से ही उनके अंदर नेतृत्व के गुण होते हैं, वही बात ठीक है। ये कुछ विशेषताएं होती है जन्म से होती है, और यह से कहा मानता है कि नेतृत्व अगर लीडरशिप किसको करनी है तो उसकी आयु एज माने रखती है। अगर आप लीडरशिप अब करोगे चुनाव में खड़े हो गए या सरपंच के लिए खड़े हो गए, अब तो हमारे हरियाणा में माहौल बदला हुआ है। आज से 25 साल पहले अगर कोई लड़का या 20-22 साल का लड़का 25 साल का चुनाव में खड़ा होता है कोई वोट देते तो जी, अब तो माहौल बदला है, क्योंकि पिछली से पिछली योजना में वो आ गया कि 10वीं पास हो रहा थी बूढ़े 10वीं पास हो गए पुराने नहीं पढ़ते थे हमारे पढ़ाई में ध्यान नहीं था, तो अब इसलिए आप जैसा कोई युवा अगर अभी में कोई खड़ा होता है तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तुम सरपंच लाएंगे बन सकते आजकल है युवा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसलिए आयु ऊंचाई ये कहते हैं कि ये ट्रेड थ्योरी कहती है कि हाइट भी मायने रखती है। उसके बाद बुद्धि इंटेलिजेंस, कुछ नेता हमारे ऐसे होते हैं आज भी नेता है जो कहते हैं कि नारियल का जूस निकाला जाता है, सुना आपने कहानी डेरी वन लीडर जो है बहुत ही फेमस लीडर है जो फालतू की बात करते फिरते रहते हैं कि नारियल का जूस निकाला जाता है। किसी ने उनसे पूछा कि भाई रोटी जो है इतनी महंगी होती जा रही है क्या करें, तो सेम डॉक्टर सेड ब्रेड खाओ, आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता पता है हाँ वन मोर सी कंडीशन। अभी राजस्थान के मंत्री का जवाब बयान आया था कि किसानों को बोला था कि जो ये तुम्हारे सामने ना ये तुम क्या बैठे हो कोई फायदा नहीं तुम्हारा, यहाँ जो पानी आ रहा है ना वो उसकी तो बिजली निकाल लेते पहले से बेकार का पानी सी। अगर ऐसे लेता है उसको आप क्या समझोगे, उनके अंदर किस चीज की कमी है, इंटेलिजेंस की कमी है। आप पढ़े लिखे हो मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति वहां बैठा होता विद्यार्थी तो आप उसको क्या करते मायने रखती है। ये सिद्धांत कहता है न्यायिक क्षमता जजमेंटल एबिलिटी, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हाउ टू जज बिटवीन दीज इश्यूज, वो न्याय क्षमता और अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि समझते हो आप, इंट्यूशन इनसाइट। ये कोई फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है साइकोलॉजी में बता सकता हूं, कोलर का एक्सपेरिमेंट था, वो कोलर का याद है ना चिंपांजी को सुल्तान को पिंजरे बंद कर देता है कोलर कैसे डंडे में जोड़ के तोड़ लेता है, वो है अंतर्दृष्टि इनसाइट। आपके अंदर भी इनसाइट होनी चाहिए, है इनसाइट आपके अंदर, हर किसी के अंदर है, हम इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे मुझे आइडिया नहीं है लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं जो किसान हमारे बुजुर्ग किसान हैं वो चींटियों के व्यवहार से अंदाजा लगा लेते हैं बारिश हो नहीं होगी, वो हवा के चलने से आपको पछुआ हवा चल रही है परवा चल रही है अंदाजा लगा लेंगे बारिश होती है। कुछ अनुभव है, कुछ इनसाइट है, कुछ अंतर्दृष्टि है, ऐसा होता है व्यवस्थित ऐसा है बिल्कुल। आप मानो या ना मानो मानते हो चलो ये हमारा एक शब्द है इसके, ये इसके किसके लिए है, ये सर्वनाम है आपके इसके, इसके अनुसार विशेषता सिद्धांत था बोले जाना भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, ये मत बोल जाना बात तो जगत ये नया प्रोडक्ट है, यानी इसके अनुसार का मतलब ये है नेतृत्व के विशेषता दृष्टिकोण के अनुसार नेता आवश्यक गुणों में विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं। ग्रेट अप्रोच इंग्लिश में नॉट रिक्वायर्ड बता देना भाई, ये लास्ट स्लाइड है नॉट वरी दिस इज लास्ट स्लाइड, क्योंकि नेतृत्व के काम में ग्रेट अप्रोच के काम में स्टॉकविल ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। आपको अगर आप लिखोगे ग्रेट अप्रोच अगर आता है पेपर में तो इनका नाम जरूर होना चाहिए, दो चार नाम भाई ये इनके अनुसार ये बताते हैं कि कुछ कारक होते हैं देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि नेताओं को दूसरे लोगों से अलग करते हैं, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स
विच डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जनरल कारक होते हैं, ये क्षमता कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब यहां पर ये है समस्या समाधान की क्षमता, लोगों को एक साथ बांधे रखने की क्षमता, लोगों के साथ घुलने मिलने की क्षमता, यहां पर क्षमता का मतलब उपलब्धियां, एकेडमिक्स अचीवमेंट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, सोशल अचीवमेंट। आप बता सकते हो एकेडमिक अचीवमेंट्स, आप बता सकते हो क्या होता है, अच्छे नंबर ले लिए, अच्छी डिग्री ले ली, फर्स्ट आ गए, गोल्ड मेडल मिल गया, ये सारी चीजें एकेडमिक अचीवमेंट हो, अच्छी रिसर्च कर दिया। स्पोर्ट्स अचीवमेंट भी अच्छा है, आपने कोई इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लिया है। सोशल अचीवमेंट क्या होती है बता सकते हो, सामाजिक उपलब्धियां कोई बताओ, समाज में सामाजिक कार्य, जैसे गांव में आपने देखा हुआ है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी का राशन कार्ड बनवा लाएंगे, किसी का आधार कार्ड ठीक करवा देते हैं, किसी बुढ़े की आंख बनवा लाएंगे, कुछ लोग होते हैं उनके लिए वो है सोशल अचीवमेंट। तो लोग क्या करते, लगता है सर्वज के लिए खड़ा होने वाला है, हमारे ऐसा ऐसे मन है, हमारे से माना जाता है, और कोई टीचर भी माने जाए फ्री में ट्यूशन पढ़ाता है तो लगता है ये बिल्कुल सरपंच युवक के चक्कर में है या चुनाव के चक्कर में, लोग ऐसे मानते हैं। चलिए जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हो जिम्मेदारी निभाना, जो काम दिया गया है यू हैव टू डू दैट वर्क विद फुल सिंसियरिटी एंड इंटीग्रिटी, दैट मीन्स यू आर डूइंग वर्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम कर रहे हो। सहभागिता एवं भागीदारी, पार्टिसिपेशन, यानी कि किस तरह से व्यक्ति अपने समूह के साथ पार्टिसिपेट करता है, उनके साथ मिलकर काम करता है, यह है उसका गुण सहभागिता भागीदारी और सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये बताते हैं कि ज्यादातर नेता जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा होता है, जो पैसे वाले हो या गांव में जिसकी ज्यादा इज्जत हो, ज्यादा बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा का मतलब यहाँ पर हाइट और वेट से नहीं है कि इतना बड़ा पेट हो, इतना लंबा हो, दैट डजंट कैरी, बड़ा बड़ा का मतलब समाज, जिसकी समाज में ज्यादा आवभगत होती हो, पूछताछ होती हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर उनके अंदर नेतृत्व का गुण पाया जाता है। लेकिन ऐसा ये लोकतंत्र में होता है ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी है कि गरीब लोग भी नेता बन सकते हैं। कोई उदाहरण बताए आपको, बताओ बताओ बताओ, लालू शास्त्री थे और आपके लिए के जो मुख्य भारत के अपने हरियाणा मुख्यमंत्री रहे, मनोहरलाल जी पीएम बोर्ड से मीट थे, प्राइम मिनिस्टर जी आज याद कर रहे हैं, मनोहरलाल जी बताओ क्या वोट नहीं भेजते थे, हटाओ सी है ना, प्राइम मिनिस्टर जी देखो चाहे बेटा करते थे, तो ये सोशल कम्युनिस्ट स्टेटस बहुत बड़ा नहीं था इनका, अब हो गया होगा नाम देते हैं, बट जो है राधेश्याम, राधेश्याम कौन है, अच्छा अच्छा राधेश्याम, अच्छा यू आर सो मच बड़े नंबर, ये है राधेश्याम ने क्या किया ना, ये आप देखोगे ना इसके अंदर सबसे साइकोलॉजी नोट होती है, डिस्कस लेटर होती है, अच्छा मेरा नाम राधेश्याम है, मुझे नहीं पता मेरे पैसे नहीं लगाए, क्या वो कहता है, स्टोबिल कहते हैं कि नेतृत्व की विशेषताओं की समीक्षा की उन्होंने, आपको बता दूं मैं ये कुछ कारक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति को नेता होने, कौन नेता है कौन नेता नहीं है उनके बीच में ये फैक्टर्स फर्क करते हैं, जिनमें क्षमता होगी, उपलब्धियां होगी, जिम्मेदारी, बच्चे भागीदार और समाज कार्य अच्छी होगी, आप समझोगे उसके अंदर नेतृत्व का गुण पाया जाता है। उन्होंने उन्होंने मतलब क्या करता ना, उन्होंने जो नेतृत्व के जो गुण है, विशेषताएं हैं, उनकी समीक्षा की, उनको रिव्यू किया और पाया कि शारीरिक बनावट, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी लैंग्वेज, बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान वाली बात आई समझ में आ गई, और बुद्धि वाले नेताओं में रुचि कैसी है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आत्मविश्वास जैसी विशेषताएं नेताओं में आमतौर पर, ये चीजें छोटी बताते हैं। तो जैसे चुनाव जब होते हैं आप जिम्मेदारी की बात क्या करते हैं, चुनाव के दिन नेता बहुत आपको वो आश्वासन देते हैं और वादे भी करते हैं, मान लीजिए मैं अगर चुनाव लड़ू आपके यहाँ से, मैं आश्वासन दे सकता हूँ भाई मैं इस बार एमएलए का टिकट भरूंगा आदमपुर से, और जो मुझे वोट देगा गारंटी है वो सबको एक हेलीकॉप्टर दिया जाए, बोले जाने के लिए,
ना बच्चों को हेलीकॉप्टर दूंगा कॉलेज जाने के लिए, ज्यादा हो गया भाई। देखो जब वादा ही करना है, जब आपको वादा ही करना है तो क्या वादा करना, स्कूटी लैपटॉप करे, बड़े बड़े वादे करो। चलो लेट अस सी भाई किस टाइप से होता है। तो ये था हमारा ट्रेड थियोरी, इसमें नेक्स्ट थिंग इसमें है, सेम चीज है। इसको आप कैपेसिटी अचीवमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टिसिपेंट एनवायरमेंट एंड इसको स्टेटस, ये सारी चीजें हमें थीसिस की। आप मुझे बताओ कोई डाउट, एक कोई प्रश्न किसी को इससे संबंधित। हमने सिर्फ ट्रेड थ्योरी की बात करी है, नेतृत्व का विशेषता सिद्धांत, वो केवल उसमें एक बात आपको एंड में बता देता हूँ। वो कहता है कि जो नेता होते हैं विशेषताओं के साथ पैदा, ये इसका जूस है इस थ्योरी। ठीक है, ओके भाई, अगला लेक्चर हमारा होगा